हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को बोला है कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो 5.50 to 8 रुपीज़ इसी रेंज में जो है रेंज बाउंड चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। ना ही इसमें कुछ तेज़ी आ रही है, ना ही कुछ गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो रिसेंट इंटरव्यू से हमें पता चला है, और उसी रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन हिट करना और बेल आइकन दबाने के लिए। लेकिन आपको टाइम टू टाइम सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इतनी से हेल्प आप कर ही सकते हो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया का क्या अपडेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया इन कॉन्टैक्ट विथ वेंडर्स टू लॉन्च 5G, फंडिंग डिले हर्डल। तो जो है वोडाफोन आइडिया जो है ऑलरेडी वेंडर्स के साथ कॉन्टैक्ट में है 5G लॉन्च के लिए, लेकिन जो फंडिंग डिले हर्डल है वो उनको अभी जो है मुश्किलें दे रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें जो है बोली गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वोडाफोन आइडिया इज़ रीचिंग फाइनल टॉक्स विथ मल्टीपल नेटवर्क वेंडर्स टू फाइनलाइज इट्स 5G रोल आउट प्लान्स, द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्टेड। टू दिस एंड द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज़ कंप्लीटेड डिवाइस टेस्टिंग फॉर ऑल मेजर इक्विपमेंट मेकर्स फॉर इट्स अपकमिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, वी आई इन्फॉर्म इन द एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि जो इक्विपमेंट टेस्टिंग थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया चेयरमैन जो है रविंदर ठक्कर, उन्होंने क्या बोला है, द कंपनी इज कमिटेड टू एक्सटेंडिंग इट्स 4G कवरेज एंड लॉन्चिंग 5G सर्विसेज इन द कंट्री। जो 4G कवरेज है उसको और बढ़ाने पर उनका जो है फोकस रहने वाला है, और वो लॉन्च करना चाहते हैं 5G सर्विसेज इन द कंट्री। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स इनके कॉम्पिटिटर्स की, तो वो 4G में ऑलरेडी जो है काफ़ी अच्छा कवरेज कवर कर चुके हैं, और 5G सर्विसेज भी वो वोडाफोन से काफ़ी पहले जो है रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक तगड़ा कंपटीशन वोडाफोन आइडिया को फेस करना पड़ रहा है। टॉकिंग अबाउट वोडाफोन आइडियाज फ्यूचर प्लान, टक्कर सेड द कंपनी विल रिमेन फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सुपेरियर डेटा एंड वॉइस एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग डिफ्रेंशिएटेड डिजिटल एक्सपीरियंस थ्रू इट्स सेवरल स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स एज वेल एज कंटिन्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट्स एक्सपांडिंग 4G कवरेज एंड कैपेसिटी स्पेशली इन 17th प्रायोरिटी सर्कल्स एंड इंट्रोड्यूस 5G सर्विसेज वंस फंडिंग इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे जो है 5G सर्विसेज जो है वो प्लेस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब उनको फंडिंग मिलेगी तब। यानी अभी जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि जो फोकस रहने वाला है उनका सर्विसेज बिल्ड करने में विथ डिफ्रेंशिएटेड डिजिटल एक्सपीरियंस, वो 5G कवरेज के कैपेसिटी की बात कर रहे हैं 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में। इन द एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग द कंपनी सेड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ लेंडर्स टू एंड इन्वेस्टर्स टू रेज फंड फॉर एक्सपांडिंग द ऑपरेशन। तो वो कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर जो है डिस्कशन में ओपन है, बट ये जो डिस्कशन है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है फ्रेंड्स। वोडाफोन आइडिया ये जो फंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो फंड जुटाने में जो है काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, वी आई हैज़ नॉट अनाउंस्ड इट्स 5G लॉन्च टाइमलाइन थैंक्स टू डिले इन एक्सटर्नल फंड रेजिंग। तो यहाँ पे फंड रेज के ही प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। द कंपनी स्ट्रगलिंग टू रेज 20,000 करोड़ का जो है फंड यहाँ पे वो रेज करना चाह रही है, विच इट हैज़ बीन ट्राइंग टू डू फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। तो 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इनको ये फंड जुटाने में प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है लेंडर्स क्यों इनको फंड देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले रिपोर्ट दिखाया था, तो 1,90,000 करोड़ से भी ऊपर का इनके ऊपर ऑलरेडी डेट है। इसमें ये 20,000 करोड़ का फंड जो है मार्केट से उठाने की जो है कोशिश कर रहे, तो कोई भी लेंडर्स जो है डेफिनेटली जब तक उनको एक स्ट्रांग पॉइंट नहीं मिलता है तब तक जो है वो फंड क्यों देगा। क्योंकि अदर हैंड वोडाफोन आइडिया के कॉम्पिटिटर्स काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, और अदर हैंड वोडाफोन आइडिया जो है कस्टमर बेस भी लूज करते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वेंडर्स को भी जो है पता है, जो लेंडर्स है उनको भी पता है, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टीज इनको जा रही है। बट कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हुए, होप सो इनको ये फंड जल्द से जल्द मिल जाए और हमें जो है वोडाफोन आइडिया का शेयर तेज़ी दिखाता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि
कि रविंद्र टक्कर ने बोला है कि वो उनकी सर्विसेज जो है, जो डिफरेंशिएटर्स है, उनको यूज़ करके जो है मार्केट में फिर से उनकी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, और डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो भी वो जारी रखेंगे। यहाँ पे उन्होंने वो क्लियरली बोला है ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर वो 5G रोल आउट करते हैं तो कंपनी 5G रोल आउट जो है वो कहाँ पे करेगी? द कंपनी हैज़ मेड सेलेक्ट 5G क्लस्टर्स इन दिल्ली एंड पुणे। सो दिल्ली में और महाराष्ट्र बेस पुणे सिटी में जो है इन्होंने जो है ये क्लस्टर्स जो है इंस्टॉल करने का जो है यहाँ पे डिसीजन लिया है। इट हैड पार्टनर्ड विथ वेरियस OEMs टू टेस्ट कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ अवेलेबल 5G हैंडसेट। तो अवेलेबल 5G हैंडसेट के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप करी है कॉम्पेटेबिलिटी और टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इन प्रोग्रेस है, काफ़ी कुछ एस्पिरेशंस लग रहे हैं नई मैनेजमेंट से वोडाफोन आइडिया की, बट यहाँ पे फंड का बहुत बड़ा इशू है। जब तक ये फंड का इशू क्लियर नहीं होता है तब तक हमें शेयर रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, जिनको भी वोडाफोन आइडिया लंबे समय तक होल्ड करना है और अच्छे खासे रिटर्न पाने हैं, जो कि 5G रोल आउट के बाद ही पॉसिबल है, उनको डेफिनेटली इस शेयर को बिल्कुल पेनी प्राइस में बाय करना चाहिए। अगर आपको ये शेयर 3 to 4 रुपीज़ के बीच में मिलता है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म को अगर कंसिडर करेंगे आप तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट प्लीज़ आप कभी एनालिसिस कीजिए, शायद आपकी प्राइस अगर उससे भी नीचे की होती है बाइंग के लिए, तो प्लीज़ आपका कॉल आपके हिसाब से लीजिए, आपका एनालिसिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।